कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो कंटिन्यू करते हैं जहाँ से छोड़े थे। जाने से पहले तुम देख ही रहे होगे कि इस कैंप में बहुत सारे लोगों के ऊपर येलो कलर का मार्क बना हुआ है, तो जाकर देख लेते हैं उनके पास क्या है क्या नहीं। प्रोविजन स्टॉक पाइलर, सो यू मस्ट बी द फेमस सैफायर स्टार। आई एम द वन दे've गॉट रनिंग प्रोविजंस आउट हियर इन सलियाना। Anytime you need something, you come pay me a little visit. I'll see our Sapphire Star get the goods. I made sure to procure a whole bunch of hot drinks. You'll need them when going out in the cold, so don't forget to stock up. Have a look. So, yeah, basically, ये है stockpile manager, जहाँ से last time अगर तुमको याद होगा, मैंने यहाँ से खरीदा था कुछ trap tools. देख ही सकते हो. ट्रैप टूल्स राइट। यहाँ पर है बोटानिकल रिसर्च इन आर्गसी। इट्स टेकन सम डूइंग बट वी आर फाइनली ओपन रनिंग हियर। कटिंग टू ऑलवेज कटिंग टायर्ड ऑफ जस्ट सिटिंग अराउंड। जस्ट टू फिल यू इन, आई विल बी योर कनेक्ट फॉर ऑल योर आर्गसी नीड्स। आई एम आल्सो योर गो टू गाइड फॉर बोटानिकल रिसर्च। Oh, and heads up, Bossman's back in Asteria says he's got a spunky task for a spunky hunter. Whatever the heck that means. Says, he'll expand the harvest box just to take care of the quest. Greetings from the tundra, and he'll get you squared. I'll see you get whatever it's you need. Just come see me, I'll get to taken care of. Yeah. तो यार बेसिकली जो अपना हार्वेस्ट बॉक्स है और एस्टेरा के कैप्टन के पास जो भी चीज़ें आती थी वो अब इससे डायरेक्टली ले सकते हैं। और ये एज यूजुअल एल्डर मेल्डर यहाँ पर बैठी है, तो वो कहती है, Yes, got some good news. It took a while, but thankfully the melting pot is here and we are ready to fling into action. And finally, set up and ready to melt, like you could say, come yell at your girl. Oh, and you can do something interesting. New things now, streamstones now. Give that a look while you're at it. Need something melted? So as usual, Elder Melder, बस कुछ नया यहाँ पर आया है, जिसमें decorations melt कर सकते हैं और first Vivarian ritual. इसका मतलब है कि streamstone लेकर के या तो कुछ नया melt कर सकते हैं। इसके पास भी बाद में आते हैं, बाकियों के पास भी चलेंगे, लेकिन इससे पहले कर लेते हैं अपने कुछ मास्टर रैंक के ऑप्शनल क्वेस्ट। जैसे कि आर्गसी वाले बंदे ने बोला, एक ऐसा क्वेस्ट है जो बोटानिकल रिसर्च को बढ़ा देगा। ग्रीटिंग्स फ्रॉम द टंड्रा, और इसमें अपने को कलेक्ट करने 20 यंग बटर बर्स। तो यार चलो कलेक्शन के क्वेस्ट में निकल लेते हैं। ओके, आज की शुरुआत ही मैं करने वाला हूँ एक एक्सपेडिशन क्वेस्ट से, ना कि किसी हंटिंग क्वेस्ट से। होपफुली आगे और भी चीज़ें हंट करने को मिलेगी। और जैसा कि तुम देख सकते हो, मेरा लेवल HR हो चुका है 26। कल था ये 25 तक, और कल के कुछ हंट्स करने के बाद मेरा लेवल हो चुका है 26। होपफुली कुछ और लेवल अनलॉक करने के बाद मैं हाई रैंकिंग के लेवल 9 के क्वेस्ट अनलॉक कर लूँ। और मुझे ये समझ नहीं आता इतनी देर क्यों लग रही है इस छोटे से क्वेस्ट को लोड होने में। तब तक कर लेते हैं इनसे बात। द सलियाना रिसोर्स सेंटर इज ओपन फॉर बिजनेस। मुझे नहीं लगता इसकी आवाज़ ऐसी होगी, बट ठीक है। आई बी रनिंग थिंग्स हियर मॉन जो भी है। आई एम ए वन वुमेन लॉजिस्टिक मशीन एंड एस आल बी परफेक्टली फाइन, बट इफ यू आर सो कंसर्न टेक ए बाउंटी और 3 एंड लाइटन माई वर्कलोड। ओके, हियर योर रिपोर्ट एज सून एज यू मैनेज टू थॉ आउट। तो यार ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन और रजिस्टर्ड बाउंटीज को रिलेटेड है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कंप्लीट डिलीवरीज में और भी काफ़ी सारी डिलीवरीज अपने पास आ चुके हैं। और एक है यहाँ से होरोफ्रॉस्ट रीच के कैंप को बनाना, और इसके लिए अपने को चाहिए टोबी कडाची मेम्ब्रेन।
ठीक है, वो भी कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस क्वेस्ट के बाद तो चलते हैं बटर बर्स कलेक्ट करने। और होपफुली इस क्वेस्ट के बाद एक टूबी कटाची के क्वेस्ट पर मैं चलूँगा, जहाँ पर होपफुली टूबी कटाची का मेम्ब्रेन मिल सके। तो यार आ गया हूँ कैंप पे, देखता हूँ मेरे पास हॉट ड्रिंक है कि नहीं। हॉट ड्रिंक 5 पड़े हुए हैं, नाइस। और क्योंकि एक्सपीडिशन है, एक वेल डन स्टेक खा के ही निकलते हैं। नाइस। अब मेरे को ये नहीं पता बटर बर्स होते क्या है। और यहाँ पर है बैन बैरो, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैन बैरो यूजुअली डोसाइल रहते हैं। तो मैंने कर लिया हॉट पेपर कलेक्ट और चलते हैं बटर बर्स ढूंढने। और क्योंकि बटर बर्स क्या कहते हैं, कुछ तो भी कलेक्शन की चीज़ है, तो मैं कोशिश करूँगा। ओके, बटर बर पैच, नाइस। तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, और इसका मतलब यह है अगर मैं मैप में देखूँ, शायद आइकन को मैं ओवरलैप कर रहा हूँ, फिर से चेक करते हैं। तो अगर मैं मैप में देखूँ तो बटर बर का आइकन कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट, क्वेश्चन मार्क बन के। तो सर्च करूँगा ऐसी ही चीज़ें अपने मैप पे, और मिनी मैप में क्योंकि मैं चीज़ें देख ही सकता हूँ। फ्लेम नट जाने देते हैं। अब बटर बर कलेक्ट करने ही आए हैं तो बाकी की हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं। ये बेसिकली यहाँ के जैगराज है। इनको ठिकाने नहीं लगाया तो ये लोग झुंड में आ जाते हैं। एक भाग गया, चलो ये भी गया, नाइस। इनको लूट कर लेता हूँ, देखता हूँ इनके पास कुछ नया मटेरियल वगैरह होगा क्या। टफ क्लॉ, नाइस। थिक फर बुरा नहीं है, लेकिन अभी मेरे को ढूंढने हैं बटर बर्स। एक और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का सिंबल मुझे दिखाई दे रहा है मिनी मैप में। ये एक और बटर बर मिल चुका है, नाइस। कुछ नए ट्रैक मार्क्स मिले हैं, नहीं तो क्वेश्चन मार्क नहीं आना था। कि बटर बर्स यूजुअली कोने कोने में ही छुपे रहते हैं, तो मैं वहीं पर ढूंढना सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और यहाँ पर देखकर लगता नहीं है कुछ है। एक और बटर बर का पैच, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिनी मैप में सिर्फ वही चीजें दिखा रही है जो कि मैंने पहले से डिस्कवर करी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि आंखें एकदम खुली रखनी पड़ेगी, क्योंकि कौन सा बटर बर का पैच कब कहां पर मिल जाए कुछ पता नहीं चलेगा। तो यार बियोटोडस भी दिख चुका है यहाँ पे,
होपफुली इसको एग्रो ना करे अपन। 14 कलेक्ट हो चुके हैं, 6 और बाकी है। और 2 बाकी बचते हैं और होपफुली इस वाले पे वो कंप्लीट हो जाए। नहीं हुए, 2 बार मेरे को एक्सक्विजिट बटर बर्स मिल गए लेकिन नॉर्मल वाले नहीं मिले। वेल कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसी एरिया के साइड में सर्च करके देखता हूँ मैं, और यहाँ पर मिल सकता है, चांसेस तो है। और क्वेस्ट हो चुका है कंप्लीट, नाइस। यूजुअली एक्सपेडिशन और हार्वेस्टिंग क्वेस्ट ऐसे रहते हैं कि क्वेस्ट खत्म होने के बाद 60 सेकंड का नहीं बल्कि 20 सेकंड का टाइमर आता है। और क्वेस्ट हो चुका है कंप्लीट, नाइस। अब नेक्स्ट चीज तो बचता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, टोबी कटाचे के कुछ मटेरियल्स वगैरह मेरे को चाहिए। और क्योंकि लो रैंक, हाई रैंक और मास्टर रैंक में अलग अलग मटेरियल्स रहते हैं, तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये भी मॉन्स्टर हंटर का एक फीचर है जिसके बारे में गेम कभी बताता नहीं है। तो बेसिकली अगर ऑप्शन में मैं जाऊँ और हंटर्स नोट पे जाऊं, तो यहाँ पर लार्ज मॉन्स्टर फील्ड गाइड में जाकर के मैं देख सकता हूँ कि कौन सा मॉन्स्टर कहाँ पर किस तरीके के रिवॉर्ड देता है। तो अगर मैं टोबी कटाची पे जाता हूँ तो रिवॉर्ड्स में मैं देखूँ तो लो रैंक में देख सकते हो कि कौन कौन से रिवॉर्ड्स है। और मैं चेंजेस कर नहीं पा रहा। ओके, चेंजेस मैं सिर्फ तभी कर सकता हूँ जब मैं इकोलॉजिकल रिसर्च के पास रिपोर्ट करूँ इन हंट्स को। तो बेसिकली मैं इसके पास जाऊंगा। वही सेम चीज़ें, और इसको जब रिपोर्ट करूंगा तब मेरे पास नए इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रहेंगे। तो मैं फिर से जाऊंगा अपने हंटर्स नोट पे, लार्ज मॉन्स्टर्स पे और टोबी कटाची के पास। तो रिवॉर्ड्स पे अभी तुम देख सकते हो हाई रैंक पे है टोबी कटाची मेम्ब्रेन। तो अपने को चाहिए था मेम्ब्रेन प्लस, तो इसका मतलब ये है कि मास्टर रैंक का टोबी कटाची अपने को हंट करना पड़ेगा। कंप्लीट डिलीवरीज में फिर से जाकर देख लेते हैं, टोबी कटाची मेम्ब्रेन प्लस, तो इसका मतलब यह है कि मास्टर रैंक के कुछ टोबी कटाची को मुझे खत्म करना है। तो चलते हैं पोस्ट न्यू क्वेस्ट ऑप्शनल और सर्च करता हूँ टोबी कटाची। ये सही है, लास्ट टाइम कंप्लीट किया तो था इसका क्वेस्ट, लेकिन जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम के क्वेस्ट के हिसाब से अपने को मेम्ब्रेन मिला नहीं था, वो स्पेसिफिक आइटम नहीं मिला था, तो एक बार फिर से इसके क्वेस्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्वेस्ट हो चुका है रेडी, और निकल लेते टोबी कटाची की तरफ। और देख सकते हो स्काउट फ्लाइज भी बहुत ही जल्दी पकड़ चुके हैं क्योंकि टोबी कटाची का रिसर्च लेवल अपना बहुत ज़्यादा हो चुका था। स्काउट फ्लाइज दूसरी दिशा में लेकर जा रही है। कैंप के काफी पास में ही था लेकिन स्काउट फ्लाइज ने एक गलत रास्ता दिखाया सबसे पहले। इस मेढक को खुला देता हूँ। बढ़िया, टोबी कटाची हो चुका है स्टन। इसके
पूरे शरीर को मैं कर दूंगा टेंडराइज अभी। दो और ये और ये और ये वॉल बैक, नाइस। इन गजल आकाश को फुर्सत ही नहीं है यार। ओ लगता है इन्होंने सुला दिया है टोबी कड़ाची को। तो यार मेरे पास हार्श वेपन तो हार्ड वेपन तो है नहीं, वेकअप हिट नहीं दे सकता, तो इसको मैं फ्लिंच शॉट ही दूंगा। नाइस, ओके, तो वो एग्रो हो चुका है। फोर साइड स्लैश लेने ही वाला था मैं। मुझे ये नहीं पता था कि इसके चलने के बाद भी कुछ टाइम तक बिजली के झटके नीचे ही रहते हैं। तो जल्दी से खुद को कर लेता हूँ मैं हील। फोर साइड डायरेक्शन बुरा था, पोजिशनिंग बुरी थी, और मैं हो चुका हूँ स्टन। थैंक्स बिल्ले, फिर से स्टन होने वाला हूँ। नहीं, अभी तो वो यही अटैक सिर्फ स्पैम कर रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, चल लेते हैं इसके पीछे। हो चुका है शार्प, शायद एक नल बैरी होगा मेरे पास। ब्लाइट हो चुका है खत्म, माइट सीड भी एक मैं खा लूंगा ताकि फुल स्टैमिना में मेरा डैमेज इंक्रीज हो। तो माइट सीड का बेसिकली यही काम होता है, जब जब मेरा स्टैमिना फुल हो तब तब मेरी अटैक पावर जो है वो इंक्रीज रहती है। तो लॉन्ग सोड यूज़ करते टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैमिना फुल ही रहता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। डुअल ब्लेड्स या तो इंसेक्ट लिफ के टाइम माइट सीड इतना काम नहीं आता। ले लेता हूँ थोड़ा सा रेशन, स्टैमिना थोड़ा कर लेता हूँ फुल। नाइस, टूबी कड़ाची ऊपर है, ऐसा लग रहा है उसका एग्रो खत्म हो चुका है। ओह बहुत बुरी टाइमिंग, पूछ को कर दूंगा मैं टेंडराइज। नाइस, एक और ये वॉल बैक। नाइस, फोर साइड कॉम्बो कंप्लीट।
आउटसाइड एक और बार, हेल्म ब्रेकर की तैयारी, नाइस, बढ़िया शॉट, फुल कॉम्बो, नाइस, थोड़ी जल्दी से मैंने क्या कहते हैं, थोड़ी ही जल्दी फोरसाइट लगा दिया था मैंने। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट, बहुत ही गलत जगह पर उसने दे मारा है। पास आने दो, उसको करता हूं मैं टेंडराइज। पूछ एक बार फिर से कर चुका हूं टेंडराइज में। नहीं, बढ़िया डॉज था वो। टेंडराइज, नाइस, हेल्म ब्रेकर की तैयारी, मेरे को अभी इलेक्ट्रिसिटी ब्लाइट लगी हुई है तो नल बेरी है ना, और इससे पहले कि कुछ हो मैं कर लेता हूँ अपना वेपन शार्पन। और बहुत ही मैप के अच्छे लोकेशन पे गया है वो, तो मैं कर लूँगा अपना स्लिंगर एमो फुल और उसके ऊपर पत्थर गिराने की कोशिश करूँगा ऐसे, मौका मिलते ही कर दूँगा टेंडराइज और तैयार हूँ अभी कॉम्बोज के लिए। फोरसाइट, ओह कॉम्बो कंप्लीट नहीं हो पाया, हेल्म ब्रेकर की तैयारी, सर पे पड़नी चाहिए, बढ़िया, फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट, बढ़िया डॉज, हेल्म ब्रेकर की तैयारी, फिर से नाइस, चक्रोसी भी सामने है, रोड टैकल, शायद मैं ग्रेट जैगराउस को उसके ऊपर नाइस, बहुत ही बढ़िया शॉट था वो, मटेरियल्स मिले हैं फ्री में वो भी उठा लेता हूं मैं। हेल्म ब्रेकर, उस टाइम पे फोरसाइट कर लेना चाहिए था, फिर से नहीं, अब ट्रिपल थ्रेट आ चुका है, अब मुझे नहीं लगता मैं इनसे लड़ पाऊंगा, तो छुप जाता हूं मैं जाके कोने में, और छुपने के टाइम पे तलवार भी शार्प कर लूंगा। टर्फ वॉर हो चुका है इन दोनों के बीच अभी, और जैगरास को समझ नहीं आ रहा कि वो कहां जाए। गॉडज़िला ने जैसे म्यूटो को पटका था उसी तरीके से टोबी कडाची भी पटका गया है।
तो लड़ने देते इन दोनों को, अपने को कोई मतलब नहीं इनसे। इनकी दहाड़ से मेरा स्टेल्थ जो है वो टूट जा रहा है और ऐसा लग रहा है अंजनाथ मेरे को सूंघ पा रहा है। तो यार गेम का इमर्शन तुम देख सकते हो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास अच्छा आर्मर ना हो और तुम ऐसे सिचुएशन में फंस गए तो काफ़ी ज़्यादा हॉरर पे बदल जाता है। अरे बाप रे, पकड़ लिया है मुझे अंजनाथ ने। तो समय रहते ही भाग लेता हूँ मैं यहाँ से। और मुझे पता है टोपी कड़ाची किस तरफ गया होगा एज यूजुअल। और अंजनाथ भी इसी तरफ ही आ रहा है एग्रो खत्म होने के बाद भी। टोपी कड़ाची यहां नहीं है? ओके, उसका नेस्ट कहीं और तरफ होता है, मिनी मैप पे दिख चुका है। ये देखो यार स्लीपिंग कड़ाची, लेकिन ये चैन की नींद ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। ये कैसे हुआ? मुझे उस टाइम पे गिरना नहीं था लेकिन ऐसा लगता है अंजनाथ के जंपिंग हिटबॉक्स से ही मैं गिर गया। बट एनी हाउ, बढ़िया शॉट तो भी कड़ाची, और सवार हो चुका हूं मैं इसके ऊपर। अंजनाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा, मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो भी कड़ाची को रुकना नहीं है। फोरसाइट, फोरसाइट एक और बार। थोड़ा डिस्टेंस ले लेता हूं मैं क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने छोटे से एरिया पे उन दोनों से फाइट कर पाऊंगा मैं। मुझे मौका देखते ही टोपी कड़ाची को ट्रैप कर लेना चाहिए था। ट्रैप से मेरा मतलब है कैप्चर। बुरी टाइमिंग थी फिर से। तो भी कड़ाची खत्म, नाइस। अगर थोड़ा पहले क्या होता तो लास्ट वाला फोरसाइट भी कंप्लीट कर सकता था मैं, बट कोई दिक्कत नहीं। होपफुली जल्दी ही और भी तगड़े वाले आर्मर मिल जाए ताकि तीन मॉन्स्टर से भी एक साथ में लड़ सकूं। वो टाइम भी आएगा लेकिन उसके लिए अभी बहुत सारा गेम आगे बढ़ाना बाकी है। होपफुली हार्वेस्ट लिस्ट में इस बार टोपी कड़ाची का मेम्ब्रेन दिखा दे क्योंकि वही कलेक्ट करने आया था, और अगर वो नहीं मिला तो मुश्किल है। होरोफ्रॉस रीच का एक और कैंप खोल नहीं पाऊंगा मैं। टाइमर हो चुका है खत्म, टाइम फॉर द ट्रुथ। थिक फर शार्ड, ठीक है। हार्ड क्लोथ, थिक फर, यार मेम्ब्रेन फिर से नहीं मिला अपने को।
मेम्ब्रेन प्लस फिर से नहीं मिला। खैर कोई दिक्कत नहीं, स्टोरी मिशन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद देखेंगे मेम्ब्रेन मिलता है कि नहीं। टोबी कडाची से तो लड़ते ही रहेंगे। लेगियाना के ट्रेल पिकअप करने हैं तो चलते हैं हॉरोफ्रॉस्ट रीच पे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि अपने लो रैंकिंग के क्वेस्ट पे वो चीज़ें अनलॉक हुई कि नहीं, वो इवेंट्स अनलॉक हुए कि नहीं। लेवल 9 अभी तक अनलॉक नहीं हुए लिखता है ये, और हंटर रैंक इजंट हाई इनफ। कोई दिक्कत नहीं, स्टोरी मिशन में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बाकी के मिशन में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उसके बाद टेस्ट करेंगे कि बाकी की चीज़ें अनलॉक हुई कि नहीं। और क्योंकि एक्सपेडिशन क्वेस्ट है और जिस तरीके से बताया गया है और जिस तरीके से अभी तक गेम चलता आ रहा है, किसी भी स्टोरी मिशन पे अगर एक्सपेडिशन क्वेस्ट रहता है तो यूजुअली कोई ना कोई एक नया जानवर मिल ही जाता है हंट करने के लिए। तो कोशिश करूँगा कि इस बार फुल मील खा के जाऊँ एक्सपेडिशन पे। ओके यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन मेरे को पहले जाना है कैंप पे, और कैंप पे जाके मैं कर लूँगा मील, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर कोई भी मॉन्स्टर सरप्राइजिंगली दिख जाए। अरे कैंटीन डिसेबल्ड है, इसका मतलब मुझे खाने का भी मौका नहीं मिलेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, खा लेता हूँ मैं एक वेल डन स्टेक, एटलीस्ट हेल्थ नहीं तो स्टैमिना ही सही। तो शायद ट्रैकर के पीछे मेरे को जाना है या फिर ट्रैकर के आगे। All right, I should get moving. I'm heading this way. See you around. Okay, let's find those Legiana tracks, Pard. Oh, of course. एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर लोग बर्फ से मर सकते हैं, ऊपर से जहाँ पर मॉन्स्टर है, उस जगह पर अलग अलग हो जाना ही सबसे बेस्ट आइडिया है। टिपिकल मूवी कट सीन था, बट ठीक है, गेम है, क्या ही कर सकते। Top off. Basically, ice resistance बढ़ा सकता है ये। Dead end. I don't think we're getting past here. Let's keep looking and see what we can find. देख सकते हो यार यहाँ पर ऐसे कंटीली चीज़ें भरी हुई है। याद होगा कुशाला डाउरा के हंट पे ऐसे ही कुछ चीज़ें थी। हड्डियाँ मिल चुकी है वो भी कलेक्ट कर लेता हूँ। अगर वहाँ पर चीज़ें ओपन अप हो रही है तो चांसेस है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ नया मॉन्स्टर होगा, क्योंकि अरीना में यूजुअली मॉन्स्टर रहते ही है। ऑफ कोर्स कुछ तो होगा यहाँ पे। Wait, is that a first Vivarian? चलो अच्छा है। मुझे लगा था कोई मॉन्स्टर वगैरह होगा, लेकिन यहाँ पर ये बौना मिला है अपने को और उससे अपने को बात करनी है, तो चलो वही करते हैं। टंड्रा वाइवेरियन ये कहते हैं, हाउ रेयर, वन डस नॉट गेट मेनी विजिटर्स, यू आर फ्रेंड्स ऑफ द लोन स्टार, यू सीक समथिंग आई सी, इट्स नॉट हियर
search below. They know its scent. Follow them. Thank you so much. But where exactly is below? एक ही मतलब हो सकता है बिलो से. Look, the scout flies are headed down into that cavern. मैंने भी वही सोचा था. नाइस. और भी काफ़ी सारे मटेरियल्स है यहाँ पे, माइनिंग कॉर्प्स वगैरह. लेकिन उससे कुछ नया माइनिंग मटेरियल मिला नहीं मेरे को. खैर कोई दिक्कत नहीं. What do you suppose the tracker is looking into? कटसीन आ चुका है. चांसेस है कि नया मॉन्स्टर भी आ जाए. Heading the same way. You sure about that? I mean, other than that opening, I can't find any other place to go. I'd like to have a look, but... Oh! Tobi Kadachi. Tobi Kadachi, lekin orange. रेसिस्ट टू बी कड़ाची. बहुत ही अलग डिजाइन है इसका पहले के टोबी कड़ाची से. इसका साइज पहले की टोबी कड़ाची से बड़ा लग रहा है. और इसका नाम है वाइपर टोबी कड़ाची. इसका मतलब इसमें है जहर. पहला टेंडराइज. ओके. तो इसके पूंछ को अगर मैं काट दूं तो ये सब होना बंद हो जाएगा. अरे यार गलत टाइम पे थक गया मैं. ये दिशाएं भी चेंज कर सकता है हवा में और अपने पूंछ से रेंज अटैक भी कर सकता है. ये तो हैकर है यार. फिर से नहीं. फोरसाइट पहला कॉम्बो कर लेता हूं खुद को हील. एक ऐसा आर्मर स्किल भी है गेम में जिससे पॉइजन का असर जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाता है. और ये पैरालाइजिंग अटैक भी कर सकता है. पता ही नहीं था मुझे. वेल फिर से नहीं यार. फिर से नहीं. यही चलता रहा तो बहुत जल्दी मैं खत्म हो जाऊंगा. खैर कोई दिक्कत नहीं. और ये हो चुका हूं मैं पैरालाइज. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आधे से ज्यादा टाइम ये पांकड़ बिल्ला की तरफ जाता है और उसी डिस्ट्रैक्शन टाइम पे मैं इसके पास जब आता हूं. नहीं फिर से नहीं. बढ़िया डॉज. फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट. नाइस.
फोरसाइट, एक और, नाइस। टाइम है बड़े डैमेज का, बुरा नहीं था। वेपन को कर लूंगा मैं शार्पन, नाइस। फिर से नहीं, बहुत ही ज्यादा एनॉइंग है ये। तो यार मेढक को मैंने यहां पर चालू कर दिया है, होपफुली टोबी कड़ाची का इससे कुछ हो जाए। ओके, स्लीप पे जा रहा है वो, नाइस। तो हो सकता है एक वॉल बैंक मिल जाए मेरे को यहां पे, लग गया, बहुत सही। पहला मकसद है मेरे इसका पूंछ काटना। हेल्म ब्रेकर टाइम, लेकिन हेल्म ब्रेकर लगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से खुद को कर लूंगा मैं हील। बैन बेरो यहां पर आ चुका है, होपफुली एक टर्फ वॉर मिल जाए। इसको बेट करता हूं यहां पर आने के लिए, नाइस। अरे ये क्या है, एक, ओ शिट, एक और टीरेक्स, और ये है फल्गर एंजनर, मतलब इलेक्ट्रिक एंजनर। जैसे बाकियों की कमी नहीं थी, सेम ही एनिमेशन है। लगता नहीं इससे फाइट करना अकलमंदी की बात होगी। अरे नहीं, हेल्म ब्रेकर रह गया। तो यार अब देखकर इसको लग रहा है टोबी कड़ाची को मारना नहीं है, टोबी कड़ाची को तो कैप्चर ही करना है। हॉट ड्रिंक का असर भी खत्म हो चुका है। नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ओके। और यहां पर उसने मुंह मोड़ लिया, खैर कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करूंगा इसको यहां तक लाने की, और फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट, नाइस। एग्रो हो चुका है वो अभी, लगा नहीं शॉट। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट, फिर से हेल्म ब्रेकर। यार ये हट जाता है हमेशा, हमेशा का है। इस बार दे सकता हूं मैं इसको हेल्म ब्रेकर, नाइस। थोड़ा डिस्टेंस, पोजीशनिंग रेडी, गुड शॉट, धन्यवाद बिल्ले।
एक और हेल्म ब्रेकर की तैयारी। गलत टाइम पे रोल आउट किया मैंने, खैर कोई दिक्कत नहीं। एंटीडोट टाइम। धोबी कलाजी थक चुका है और मेरी तलवार की शार्पनेस भी कम हो चुकी है, तो थोड़ा डिस्टेंस लूंगा मैं। तलवार को करूंगा मैं शार्पन। एग्रो भी खत्म हो चुका है इसका। एक और वॉल बैंक मिल सकता है, नाइस। शार्पनेस फुल है, स्पिरिट गेज फुल है, बेस्ट टाइम है। बढ़िया हेल्म ब्रेकर। एक और बार, एक और बार, एक और बार। बढ़िया, पहला स्टन मिल चुका है मुझे। मैं मार किसको रहा हूं? फोरसाइट, नाइस। हेल्म ब्रेकर फिर से। थोड़ा दूर। यही मूव मुझे उसका समझ नहीं आता। फिर से थक चुका है वो। थैंक्स बिल्ले। थोड़ा डिस्टेंस लूंगा, पियर्सिंग पाउडर उठा लूंगा और कोशिश करूंगा। वॉल बैंक, नाइस। एकदम स्ट्रेट हेड शॉट पड़ा है इसको हेल्म ब्रेकर का। तो यार टोबी कड़ाची, वाइपर टोबी कड़ाची कमजोर हो चुका है। बेस्ट टाइम है इसको अभी ट्रैप कर लेने का। तो कर लेता हूँ मैं कुछ ट्रैप टूल्स क्राफ्ट। होपफुली मेरे पास उतने रिसोर्सेस हो, जो कि देख सकते हो नहीं है। बेस्ट तरीका है, यहाँ से थोड़ा सा कैंप की तरफ चलूँगा मैं, और कैंप से मैं अपने रिसोर्सेस वगैरह फुल कर लूँगा और उसके बाद टोबी कड़ाची को कैप्चर करूँगा। आइटम बॉक्स नहीं, क्राफ्टिंग। शॉक ट्रैप हो चुका है क्राफ्ट। नाइस। बस अब यही दिक्कत है कि टोबी कड़ाची तक का सफर फिर से तय करना पड़ेगा। और स्काउट फ्लाइज दोबार साथ देंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग सेंट पकड़ चुके हैं टोबी कड़ाजी का, क्योंकि फाइट के टाइम वो ऑलरेडी सेंट पकड़ लेते हैं। तो ट्रैंक बॉम्ब्स तैयार है, ट्रैप टूल्स तैयार है, बस बचता है टोबी कड़ाजी को कैप्चर करने का। और मैप में दिखा रहा है ठीक नीचे की तरफ टोबी कड़ाजी का डेन है, अड्डा है, कुछ भी बोलना चाहो। तो यार चलो चल लेते हैं वहीं पे। स्काउट फ्लाइज को करता हूं यहां पर मार्क। ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले लगता है, क्योंकि यही एरिया था जहां पर वो रहता था। नाइस।
यहाँ पर देख सकते हो यार, बड़े ही आराम से सो रहा है। तो भी कराची हो चुका है कैप्चर। थोड़े पेस्टिसाइड्स का भी काम कर लेते हैं। नाइस। कुछ नई हड्डियां भी मिलने वाली है ऐसा लग रहा है, या फिर शायद नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट एक्सपीडिशन एंड मीट द हैंडलर। तो चलो यार हैंडलर के पास चलते हैं। कहाँ है हैंडलर? यहाँ पे। नाइस। तो यार कर लेते हैं रिटर्न फ्रॉम एक्सपीडिशन और देखते हैं वाइपर टूबी कराची के कौन से नए रिवॉर्ड्स अपने को मिलते हैं। कटसीन आ चुका है, मैं कर लेता हूं अपना मुंह बंद। Found you. Take a look at this shard. Never seen anything like it. This handwriting. You've seen it? It was long before the first fleet was dispatched. There was an explorer searching for the new world. I hoped our paths would cross again. Let's see. Monsters displaying disturbing behavior. Song. Song? I found a shard. I'm not sure how it was created. I need to check. Sorry, but I can't read the rest. The Legion has sudden migration. And Song. These notes we found. It's happening right now. So this thing might be the key to this whole mystery. Yo! We've been looking all over for you guys. Whoa, look at this old relic. Can you focus on your job, please? Sorry. Astera is calling back its hunters. We need to return ASAP. What? My grandfather's. I think they're the same. Wait. You're telling me he brought this from the New World? I thought I was getting closer to the truth. Then we'll get there together. You want to know what really happened, right? Same as me. We won't let this get away from us. Thanks. But... Kid, you either come with me or go home. Don't second guess yourself. There's no time. Hey, don't worry. I can fill in for you and help while you're gone. For the time being, allow me to be your handler. Sound good? Sounds absolutely good. From the best handler in Astera? You'd be crazy to refuse. Everyone, thank you so much. Glad to have a partner. Fun. Okay, looks like we're done here. Let's go.
Good luck. This won't be for nothing. Partner, take care. तो यार अपने को नई हैंडलर मिल चुकी है जो कि बहुत अच्छी बात है। देखते इसकी कुकिंग की एनिमेशन कैसी रहती है। एक बार अपना लेवल भी चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाई रैंकिंग क्वेस्ट पे अभी तक लेवल 9 अनलॉक हुआ है कि नहीं। इनफैक्ट जैसे कि गेम स्क्रीन में लिखा हुआ था मास्टर रैंक में भी 2-स्टार क्वेस्ट वगैरह अभी तक अनलॉक हो चुके होंगे। खैर वेट करते हैं लोडिंग टाइम के ख़त्म होने का। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन सच शॉर्ट नोटिस। नाउ एज फॉर व्हाई आई कॉल्ड यू बैक, होल्ड ऑन, वेयर इज द लिटिल गोरमांड? स्टिल फिनिशिंग ऑफ अ फ्यू स्टेक्स एट द कैंटीन? Actually, she's engaged in another investigation at the moment. I'll be supporting her partner for the time being. I see. Very well then. Let me fill you in. There have been reports of unidentified subspecies in the Wildspire Waste and the Coral Highlands. One seems to be a subspecies of Paulumo, and the other of Puke Puke. The analytics division theorizes that the sudden appearance of new subspecies may be linked to whatever caused the Legiana crossing. Their theory is that some sort of change in the environment has upset their normal behavior. Therefore, we need to take these developments seriously. Seeing as how you'd witnessed the altered Legiana firsthand, I thought you'd be perfect. Understood. Then my temporary partner here will hunt the subspecies, while I provide support and compile detailed reports for analytics. Very well. I'm counting on you two. तो यार दो नए क्वेस्ट आ चुके हैं और दो नए सब स्पीशीज के, लेकिन वो सब करने से पहले एज यूजुअल टेम्पररी पार्टनर सुनने में इतना मज़ेदार नहीं लगता, बट ठीक है, आई टेक इट। और एस्टेरा में देख सकते हो नया स्मिथी आ चुका है, यंग स्मिथी है, फर्स्ट फ्लीट मास्टर लेफ्ट इंचार्ज। ठीक है, एज यूजुअल देखते हैं आर्मर में अपने को क्या क्या अनलॉक हुआ है। वाइपर टोबी कडाची 132 है डिफेंस, ओके, बैनबेरो से ज्यादा है। क्विक सीथ लॉन्ग सोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा स्किल रहता है ये। ईवेड एक्सटेंडर और ईवेड विंडो के एक एक पॉइंट्स है, ओके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेपन्स में भी देख लेता हूँ एक बार, लॉन्ग स्वॉर्ड चेक करके। वाइपर टोबी कडाची, होपफुली टोबी कडाची के ही ट्री के अंदर आता हो। टोबी कडाची 3, और यहाँ पर तुम देख सकते हो टोबी कडाची का कुछ तो भी नया वेपन है, और यहाँ पर उसके ठीक नीचे है वाइपर टोबी कडाची। तो यार इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे स्टैट्स है। 759 रॉ डैमेज है, राइट, और 210 पैरालिसिस डैमेज है। इसका मतलब बिल्ला भी पैरालाइज करेगा, मैं भी पैरालाइज करूँगा। यार अब तो मुझको ये वेपन चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए मुझे हंट करने हैं कुछ टोबी कडाची, क्योंकि टोबी कडाची के श्रार्ड्स मिसिंग है मेरे पास, और उसके बाद वाइपर टोबी कडाची का भी देखते हैं। और वेपन में देख सकते हो एक लेवल 1 स्लॉट भी है, मतलब वेपन पे मैं डेकोरेशंस भी डाल सकता हूँ। मुझे नहीं लगता इससे बेटर अभी कुछ होगा, तो मैं वही करने जाऊँगा। टोबी कडाची को पहले मुझे करना है हंट, उसके बाद मुझे करनी है वेपन क्राफ्टिंग, ओके। तो हंट से पहले इस बार कोशिश करूँगा कि पहले देखता हूँ इवेंट क्वेस्ट में टोबी कडाची है कि नहीं, क्योंकि इवेंट क्वेस्ट में मिल गया तो हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें भी मिल सके। और देख सकते हो यार कडाची ट्विंस करके एक क्या कहते हैं क्वेस्ट है, जिसमें दोनों ही टोबी कडाचीज वगैरह है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसको भी रहने देता हूँ, ऑप्शनल क्वेस्ट ही देखता हूँ मैं।
बीटिंग अराउंड द बुश, यही है क्वेस्ट। तो चलते हैं एंशिएंट फॉरेस्ट पे। लॉन्ग शॉट से बहुत हो गई हंटिंग, चेंज करूंगा मैं वेपन और इस बार मैं यूज़ करूंगा इंसेक्ट ग्लेव या फिर ग्रेट स्वॉर्ड। सिंगल शॉट और रनिंग के लिए बहुत ही अच्छा वेपन है, तो चलो ग्रेट स्वॉर्ड यूज़ कर लेते हैं क्योंकि सारे वेपन्स अभी एक ही लेवल के हैं, तो ग्रेट स्वॉर्ड यूज़ करना सही रहेगा। और क्राफ्ट भी कर लेता हूँ कुछ ट्रैप्स वगैरह। ताकि इस टोपी कटाची को मैं एटलीस्ट कैप्चर कर सकूँ थोड़े ज़्यादा ही मटेरियल्स के लिए। रैंक बॉम्ब्स वगैरह रेडी है, कैप्चर टूल रेडी है, चल लेते हैं क्वेस्ट पे। तो जैसे कि मैंने बताया था अभी सिर्फ मैं दो वेपन्स पे दो वेपन्स पे ही अपग्रेड का फोकस कर रहा हूँ। पहला है लॉन्ग स्वॉर्ड, दूसरा है इंसेक्ट ग्लेव। आई एम रेडी। कहाँ पर है टोपी कराची? शिट, क्या यार इतनी जल्दी। फिर से नहीं, वॉल बैंक, नाइस। पहला टेंडराइज, यार मुझे इन गैजला का से नफरत है। फिर से नहीं। बहुत ही सही टाइम पे एक और वॉल बैंक, नाइस। टाइम रहते ही ये बढ़िया शॉट, कोई दिक्कत नहीं। पास आने देता हूं इसको, बहुत ही बुरा शॉट था। स्टन भी हो चुका हूं मैं और ऐसा लग रहा है मरने भी वाला हूं। और खत्म, हेल्प मी बांकर विले, थैंक्स। जल्दी से कर लेता हूँ खुद को हील। हीलिंग भी मेरे पास धीरे धीरे कम होती जा रही है, देख ही सकते हो। बढ़िया शॉट, ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए था उस टाइम पे। खैर कोई दिक्कत नहीं, टेक ड्रिफ्ट। टाइम मिलते ही मैं कर दूंगा टेंडराइज। थोड़ा सा रेशन भी इनटेक कर लूंगा, स्टैमिना है बरकरार। होपफुली अभी थोड़ा सा ओपन स्पेस हो जहाँ पर गजल अकाश वगैरह ना हो। सबसे ज़्यादा एनोइंग प्राणी मेरे को यही लगते हैं। एक बहुत ही अच्छे कॉम्बो के टाइम पे मेरा कॉम्बो वो लोग कंप्लीट नहीं होने देते। खैर मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, चल लेते हैं टोबी कड़ाची के पास।
देख सकते हो वहां पर ऊपर खड़ा है वो। बढ़िया हवाई अटैक, थ्रेशहोल्ड एक ही बार में कंप्लीट हुआ है। अब इसको मैं दूंगा बड़ा स्टन और उसके बाद दूंगा बड़ा डैमेज। चाहे जितना भी खिसले उसके सर से मैं कहीं और भागने नहीं वाला। मुझे चाहिए इसका सर। एक दो तीन, बढ़िया चार स्लैश। क्यों बिल्ले ऐसा क्यों किया तूने? उसने भले ही एक बहुत ही अच्छा स्टन दिया हो लेकिन स्टन की टाइमिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे उसको लेटे लेटे मैं बहुत ही अच्छा कॉम्बो दे सकता था। कोशिश करूंगा कि कुछ और हवाई अटैक करने की। बढ़िया एक और सवारी। मारना तो मुझे चार स्लैश इसके थोपड़े पर ही है। एक दो तीन, ट्रू चार स्लैश। नाइस, बढ़िया स्टन। एक दो तीन, नाइस। डॉज रोल सही से नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। शोल्डर टैकल एक और बार। फिर से हुआ शोल्डर टैकल, नाइस। ओह चलो अच्छा, एटलीस्ट शॉट पड़ चुका था। बुरा था वो। खैर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हनी मिल चुका है। होपफुली थोड़ी और रिकवरी पोशन बन जाएंगे इससे। नाइस शॉट। बहुत ही बुरा ट्रेड ऑफ था वो, क्योंकि मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा घटा, उसको सिर्फ 200 का डैमेज पड़ा। 118, टाइमिंग अच्छी थी बिल्ले की लेकिन मेरी टाइमिंग गलत थी, तो वक्त रहते ही टेंडराइज कर लेता हूँ ताकि वेस्ट ना जाए बस। बहुत ही बुरी तरीके से उसने अपना डायरेक्शन बदला। खैर कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का जो ब्लाइट है वो खुद से हटा लेता हूँ, नहीं तो और ज़्यादा स्टन होता रहूँगा मैं। एक और बार कोशिश करेंगे वो चीज़। चार स्लैश मिस हो गया यार। सक्सेसफुल चार स्लैश, नाइस। और दो चार स्लैश बस, तभी तो भी कड़ा चुन जाएगा कमजोर। और ये नाइस,
403 का डैमेज। इसके थोपड़े को टेंडराइज करूंगा मैं। नाइस, वक्त रहते ही कर दूंगा वेपन को शार्पन। खुद को हील करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस एरिया पे टोबी कड़ाची जा रहा है वहाँ पर मेरे को बहुत सारे विगर वॉस मिलने वाले हैं और उन्हीं से मैं खुद को हील कर दूंगा। स्लिंगर टॉर्च उठा लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंट स्लिंगर है वो है। कंसील नहीं कर पाया खुद को, बहुत बुरी बात है टोबी कड़ाची, जंग में थक जाना। एक और ये ट्रू चार्ज्ड स्लैश 468 का डैमेज। मुझे कभी इनकी टाइमिंग समझ नहीं आती। पूंछ हो चुकी है टेंडराइज। नाइस, एक शॉट। स्टन कर दूंगा मैं इसको, तो भी कड़ाची स्टन। नाइस, नॉट बैड। पूरा जंगल उखड़ रहा है, ये गुस्सा आ गया। मुझे लगा एकदम ही पोजीशन पे था मैं। एक और बार स्टन, ये तो शॉट लगना ही है। नाइस, 503 का डैमेज। होपफुली कमजोर हो गया हो ये, और टोबी कड़ाची हो चुका है कमजोर। नाइस, ट्रैप टूल्स वगैरह सब तैयार है मेरे पास। वेट करूंगा इसके रेस्ट पोजीशन पे जाने का और उसी टाइम पे मैं कर लूंगा इसको ट्रैप। तड़पने का कोई फायदा नहीं है भाई, जब डेस्टिनी नजदीक हो तब इन सब का क्या ही फायदा। रियली ग्रेट जगरोसी और टोबी कड़ाची एक साथ फिर से मिलने वाले हैं। जब भी इन दोनों के बीच में फाइट होती है टीरेक्स भी बीच में आ जाता है। होपफुली इस बार ना आए। देख सकते हो यार कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है ये, क्रॉल भी नहीं किया जा रहा जबकि क्रॉल के लिए बना है ये। ये पता नहीं कैसा हिटबॉक्स था। जाने देता हूँ इसको अपने अड्डे पर। ओके, लगता ही अपने अड्डे पे नहीं जाएगा, मेरा ही वेट कर रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको यहीं पर मैं ट्रैप कर दूंगा।
तो यार ऑब्जेक्टिव हो चुका है कंप्लीट, टोबी कडाची को कर लिया है मैंने कैप्चर, और होपफुली एक नया लॉन्ग सोर्ड अभी मैं कर सकता हूँ क्राफ्ट। और ये लॉन्ग सोर्ड बाकी के लॉन्ग सोर्ड से या फिर मेरे एग्जिस्टिंग लॉन्ग सोर्ड से थोड़ा ज़्यादा पोटेंट रहेगा, क्योंकि इस लॉन्ग सोर्ड में पैरालाइज करने का भी स्किल है, स्किल तो नहीं बट उस लॉन्ग सोर्ड का एलिमेंट ही है पैरालाइज। मेम्ब्रेन, तो यार देख सकते हो मेम्ब्रेन प्लस भी मेरे को मिल चुका है, तो इसका मतलब है कि मैं होरोफ्रॉस्ट रीच में एक नया कैंप अनलॉक कर सकता हूं। एडमिरल मौजूद है एक नए क्वेस्ट के साथ। नहीं यार मेरे को इसके साथ नहीं खेलना, एडमिरल के पास जब भी कोई भी नए क्वेस्ट होते हैं कुछ ना कुछ तो नया आ ही जाता है। तो चलते हैं वर्कशॉप पे। जाऊंगा फोर्ज इक्विपमेंट पे, वेपन्स पे, लॉन्ग सॉर्ड्स पे। लॉन्ग सॉर्ड का ट्री सर्च करूंगा, देखता हूँ टोबी कडाची का ट्री किधर है। तो यह है टोबी कडाची ट्री, तो इसको मैंने कर लिया है क्राफ्ट। नाइस, अब मैं जाऊंगा अपग्रेड पे और अपने लॉन्ग सोर्ड को कर दूंगा अपग्रेड। लेकिन देख सकते हो यार वाइपर टोबी के डाची के और भी कुछ मटेरियल्स वगैरह चाहिए इसको अपग्रेड करने के लिए। तो ये है रेयरिटी 9 और मेरे पास है रेयरिटी 7 वेपन, बट भले ही रेयरिटी 9 है रॉ अटैक इसका 693 है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वाइपर टोबी कडाची तक के वेट करते हैं और कुछ वाइपर टोबी कडाची को हंट करके नया वेपन क्राफ्ट करेंगे, लेकिन यार वो करेंगे अगले एपिसोड पे, क्योंकि आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुमको एपिसोड पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में बताओ कि नए वेरिएशंस मॉन्स्टर के तुमको कैसे लगे और वेपन के अपग्रेड सिस्टम तुमको कैसे लगे। जैसे कि ऑलरेडी तुम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ग्राइंडिंग करनी पड़ती है एक एक वेपन को अगले अगले लेवल तक लेने में, बट यार ग्राइंडिंग में ही मज़ा है इस गेम में, क्योंकि यही है गेम का गेम प्ले लूप। तो यार इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और तुमसे मिलता हूँ अगले एपिसोड पर।